देखिए, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है ना, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जिस सोसाइटी से हम आते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पर आए दिन तानों की ज़्यादा बौछार होती है और सराहना लोग कम करते हैं। ठीक है, लोगों की बातें जो है वो ऐसी होती हैं कि जैसे गोली जितनी छल्ली ना करें ना, उतनी उनकी बातें छल्ली कर देती हैं। और अपना मन का जो मनोबल है वो स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर मन स्ट्रांग हुआ तो हम पेपर आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसी पर ये बात कही गई है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरी पाइए मन की ही प्रतीत। एक छोटी सी कहानी है, एक स्पेन के बहुत अच्छे फुटबॉलर थे। ठीक है, बचपन से ही उनका सपना था कि वो बहुत अच्छे फुटबॉलर बनेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे गोलकीपर बनेंगे। बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करते रहे बचपन से, वो काफ़ी अच्छा जो है प्रयास करते रहे, कोचिंग ली काफ़ी अच्छे तरीके से, कोच से कोचिंग ली। कोच का एकदम ये कहना था कि बेटा आगे चल के तू बहुत बड़ा फुटबॉलर बनेगा, बहुत बड़ा गोलकीपर बनेगा। और आगे चल के उनका जो सपना था वो रियल मैड्रिड जो है एक फुटबॉल की टीम है उसके जो साथ है उस टीम में खेलने का सपना था। यूँ समझ लीजिए कि वो सपना पूरा ही होने वाला था कुछ दिन के पहले, दो दिन तीन दिन, यूँ कह लीजिए कि दो दिन तीन दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था। तो उसी खुशी में जो है इन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी रखी, पार्टी रखने के लिए पार्टी एंजॉय करने गए। और पार्टी जब करके लौट रहे थे घर पे, तो उसी समय इनका कार का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में इनका जो बॉडी है कमर के नीचे पूरा का पूरा पैरालाइज हो गया। ठीक है, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई। अब उस सिचुएशन में इनको एक महीने बाद होश आता है, आईसीयू में जब इनको होश आता है तो इनके पेरेंट्स इनको बताते हैं कि तुम्हारा जो बॉडी है नीचे का वो काम नहीं करेगा। तो जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ उस लड़के ने बचपन से लेकर अब तक जो मेहनत की थी उसने, जो उसका एक सपना था बहुत बड़े युद्ध स्तरीय स्तर पर फुटबॉलर बनने का, वो सपना उसका वहीं पर टूट जाता है। ठीक है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है मेरे दोस्त, कहानी यहीं से शुरू होती है। उसने अपनी हिम्मत को वहां पर नहीं हारा, वहां पर वो रुकता नहीं है, वहां पर वो थकता नहीं है, वहीं से वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है। ठीक है, उसी हॉस्पिटल से वहीं से वो कुछ समय के बाद गाने लिखना शुरू करता है, अपने ही बोल में, अपने ही गीत में कुछ बातें। ठीक है, और सबसे पहला गाना जो है उनका यूट्यूब पर आता है, उनका इंटरनेट पर आता है और काफी ज्यादा वायरल होता है। और कुछ समय के बाद जो है वो स्पेन में बहुत बड़े एक सिंगर और एक राइटर बन जाते हैं, और उनका नाम अगर आप सर्च करेंगे तो उनका नाम आपको पूरा मिलेगा। तो ये कहानी, ये जो स्टोरी है, ये जो दोहा है, ये इसी बातें में दर्शाती है कि अगर आप किसी चीज को लेकर काफी सीरियस हैं और अगर उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता है, छोटी सी बात अगर आप पीछे रह जाते हैं, तो आप वहां टूटे नहीं हैं, आप वहां हारे नहीं हैं। इस बात का ध्यान देंगे, आपको हारना नहीं है, आपको पीछे नहीं हटना है। MTS का जैसे रिजल्ट आया, बहुत बच्चे परेशान हो गए, मेरा नहीं हुआ सर, हम क्या करें। अरे भाई, नहीं हुआ तो क्या हुआ, दुनिया थोड़ी उजड़ गई, पूरी जिंदगी बाकी है, अभी तो इतने सारे पेपर बाकी हैं, निकाल लोगे, भरोसा तो रखो खुद पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो, टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, अभी वक्त बहुत कुछ है अपने आप को संवारने का। उसमें जो है आप अपने आप को संवारिए, थोड़ा और मेहनत करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपके साथ आपका बड़ा भाई खड़ा है यहाँ पे, जो भी चीज़ की सपोर्ट हो मैं आपके साथ हूँ यहाँ पे, बस आप पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है यार, देखो वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार, आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की, और अच्छा करने की, और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पर शेयर भी किया करो।